तो गाइस अपने दिमाग में से ये बात तो निकाल ही दो कि मैं बर्बाद हो गई। अब हर लड़का लड़की मुस्कुराएगा। हे गाइस, मैं रेहन कदरी और आप देख रहे हैं रेहन के कॉन्सेप्ट। और गाइस, ये वीडियो लड़कियों के लिए, खास तौर से लड़कियों के लिए। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ लड़कों के लिए कि गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो रही है तो क्या करना चाहिए, तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हो आप, कोई नहीं। और खास तौर से ये वीडियो लड़कियों के लिए है जो ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही हैं, रो रही हैं, रातों में नींद नहीं आ रही उनको, परेशान हालत में बहुत ज़्यादा, या फिर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है और उनके घर वाले राजी नहीं हैं कि उनकी शादी किसी और के साथ हो रही है, आई मीन बॉयफ्रेंड की, तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए। और ये सिचुएशन जो होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा जीवन साथी होता है और जो हमसे बहुत प्यार करता है, रात में हमसे 2-2 बजे 3-3 बजे तक चैट करता था, और आज उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हो और अब भी रो रहे हो, और जो मैं अभी वीडियो में कुछ बातें, जहरीली बातें बताऊँगा, तो आप और रोगे, मगर आज सिर्फ आज रोगे, इस वीडियो को देखने के बाद रोना आपका बंद हो जाएगा और चेहरे पे स्माइल आ जाएगी और एकदम मुस्कुराने लगोगे। तो वीडियो को पूरा देखें और मज़े करें और इन्जॉयमेंट आने वाला है, और वीडियो को पूरा देखें। तो अभी मैं बताता हूँ। और गाइज, मैं आपको बता दूँ एक बात कि आपको अपने मोबाइल से थोड़ा दूर ही रहना है जब तक उस बंदे की शादी नहीं हो रही है किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो उससे पहले आपको अपने फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर आपके घर वाला नहीं है, या फिर आपके कोई जो रिलेशन में है वो आपके दुश्मन नहीं है, आपका जो दुश्मन है वो आपका मोबाइल है। क्योंकि मोबाइल ही सभी कुछ कर रहा है, मोबाइल से ही हम कॉल करते हैं और मोबाइल से ही मैसेज करते हैं और चैट करते हैं उनसे, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक उनसे चैट करते हैं यार, बात करते हैं उनसे। तो हमको क्या है ना, जब तक उस बंदे की शादी किसी दूसरी लड़की से नहीं हो रही है तब तक आपको अपने मोबाइल को थोड़ा दूर ही रहना है। बस किसी की कॉल पिक कर ली या फिर ये कहीं घूमने गए तो फोटो खींच लिया, नॉर्मली आपको इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे नहीं करना है कि आपको ये सोचना है कि मैं उससे बात करूंगी, इसको कॉल करूंगी, ये कुछ नहीं, उसको कॉल नहीं करना है। कॉल करोगे तो प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बड़ी हो सकती है, और चैट बार बार नहीं करोगे, क्योंकि आपको सोच लेना है कि उस बंदी की तो शादी हो रही है और वो अपनी जगह पर खुश है, मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में, मैं तो बर्बाद हो गई। तो गाइज, अपने दिमाग में से ये बात तो निकाल ही दो कि मैं बर्बाद हो गई। आप बर्बाद नहीं हुए हो, और उससे अच्छा लड़का आपको मिलेगा, आपके मम्मी पापा उस अच्छा लड़का ला के देंगे, या फिर आपका जो रिश्ता होगा किसी दूसरे लड़के से होगा, और आपकी जो लाइफ है एकदम बिंदास होने वाली है। और जो खुदा करता है ना वो ठीक के लिए करता है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह ताला जो भी करता है सही के लिए करता है। अगर आपका उसका उसके साथ ब्रेकअप हो गया है तो यार उसमें आप खुद को परेशान मत ठहराओ, कि मतलब ये मत सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरा बॉयफ्रेंड दूर चला गया मुझसे, और मेरा प्यार मुझसे दूर चला गया, और मेरा पहला प्यार है दूर चला गया। तो पहले प्यार को मैं बता देता हूँ कि पहला प्यार क्या है। पहला प्यार तो भाई आपके पेरेंट्स हैं, आपको पैदा किसने करा, आपके पेरेंट्स ने, भाई आपके बॉयफ्रेंड ने आपको पैदा को नहीं करा है, ठीक है, तो कौन हुआ पहला प्यार आपका, कौन हुआ पहला प्यार आपके पेरेंट्स हुए। और बॉयफ्रेंड कब आ गया, बॉयफ्रेंड 3 साल 2 साल 4 साल रिलेशन में था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल यार, बचपन से है कोई नहीं, मगर यार पहला प्यार कौन है, पहला प्यार तो हमारे पेरेंट्स ही हैं। हम जो पहला प्यार मानेंगे वो अपने पेरेंट्स को मानेंगे और उनकी इज्जत करेंगे। और कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे को पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना बता देता हूँ, कि कुछ लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और गुरुद्वारे में और पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर शादी कर लेते हैं, और बाद में उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको जो मतलब क्या है ना, उनको दुआएं नहीं मिलती हैं, बड़ों की दुआएं होना बहुत ज़रूरी है शादी में, ऐसी शादी क्यों नहीं होती है भाई, शादी हो जाए तो भाई दो लोगों में शादी हो जाए, भाई निकाह हो जाए, या फिर जो भी है फेरे होते हैं, 100 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, या फिर 150 लोगों को 1000 लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी दुआएँ मिलती हैं यार, लड़की लड़के को दुआएँ मिलती हैं, सर पर आशीर्वाद दे के जाते हैं कि भाई ये जो लड़के हैं ये हमेशा खुश रहें, और आप कर लो भाग कर शादी, या फिर कोर्ट मैरिज में जाकर या फिर मंदिर में जाकर शादी कर लो आप, तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप वो धड़क फिल्म देखो, धड़क फिल्म है और एक आध फिल्म और है जिसमें लव दिखाया है, वो लोग भाग कर शादी कर लेते हैं, वो कितनी परेशानियाँ आती हैं, खाने तक को पैसे नहीं होते हैं, इतनी इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि इनके रहने तक के उनके घर नहीं होते हैं, खाने को पैसे नहीं होते हैं, कमाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और उनको जॉब नहीं मिलती है,
बहुत ज्यादा परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने माँ बाप का नाक नहीं कटवानी है यार, और शादी आपके साथ किसी अच्छे लड़के से ही होगी, और इस चीज को मतलब थोड़ा दिमाग में से खत्म ही कर दो कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, तो इस चीज से दूर निकलो, और आपको अपने माँ बाप की नाक नहीं कटवानी है, और जो भी हो, कोई से भी धर्म की हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, नाम बदनाम सभी का होता है, पेरेंट्स जो होते हैं ना हमारे हाई लेवल पे होते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये वीडियो मेरा कोई लड़का भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो है, और आपको रिस्पेक्ट करना है अपने माँ बाप की यार। बहुत सारे लोग होते हैं शादी की और वगैरह वगैरह किया छोड़ दिया, तो कुछ लोग ऐसे भी पड़े दुनिया में, तो ये चीज़ जो होती है अपनी इंडिया में बहुत ख़राब है और नहीं करनी चाहिए। और फॉरेन कंट्री में क्या है ना, फॉरेन कंट्री में तो शादी पहले से सब कुछ हो जाता है, शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने इंडिया में क्या है, शादी कर लिया और छोड़ा झाड़ा और करा भाग गए, तो ये सब गलत है। और आपको थोड़ा सा रोना आया होगा और उनसे चैट करना बंद कर दूंगा, उनकी शादी हो गई है, कुछ लोग क्या होते हैं उनकी शादी हो गई तो उनका बॉयफ्रेंड उनके पास कॉल करेगा कि यार हेलो हाय कैसे हो, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम और नमस्ते, ये सारी बातें होती रहती हैं, तो उनका रिप्लाई नहीं करना है आपको, और उनको बोल देना सीधे तरह से कि आपकी शादी हो गई, आप अपनी जगह पर खुश रहो और मैं अपनी जगह पर खुश रहूंगी, तो आपको ये सब करना है, उनसे बात नहीं करनी, क्योंकि अगर उनसे बात करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आपको उनसे बात नहीं करनी, उनको इग्नोर मारना है और अपनी लाइफ एकदम मस्ती वाली जीना है, और जब भी उनकी याद आए तो आपको कुछ ऐसा काम करना है कि उनकी याद नहीं आए आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको कुछ दिमाग में आया होगा और स्माइल आ गई होगी चेहरे पर, और अगर नहीं अब भी नहीं आई है तो यार वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, और सच्चे प्यारों कैसे मिले, ब्रेकअप के क्या फायदे हैं, या फिर खुद से मोहब्बत हम कैसे करें, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप देख सकते हो और इन्जॉयमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में और खुश रह सकते हो। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आएगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा मुसीबत में है और उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भाग गया है और उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो रही है, तो ये वीडियो मेरी उस तक पहुँचा दो, उसको शेयर कर दो और अपने फेसबुक पर व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। तो अगली वीडियो मिलते हैं, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और जो ये वालेकुम अस्सलाम मैंने खुद कर दिया, और नमस्ते, सत श्री अकाल, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत सारी वीडियोज आने वाली, मज़ा आने वाला है।